निःशुल्क वैक्सीनेशन में अहम भूमिका निभा चुकी ANM और आशा वर्करों ने अब उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की कमान संभाल ली है। इसके लिए DM मुरादाबाद पिछले दो दिनों से जनपद भर की आशाओं को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि अब आशाओं ने अपने काम को और तेजी से करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी टेस्टिंग के लिए लोग कम संख्या में निकल रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद से ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रहे कोरोना संक्रमण से प्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के बड़े जनपदों का दौरा करके स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका परिणाम साफ नजर आ रहा है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में खासी कमी आई है। अभी दो दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई जनपदों के DM से बेमिनोर के द्वारा बात करके उन्हें कोरोना लहर से निपटने के गुण दिए, जिसके बाद पिछले दो दिनों से मुरादाबाद DM राकेश कुमार सिंह SSP सहित पूरी टीम ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण करने में लगी हुई है और उन इलाकों में पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली आशाओं को एक साथ जमा करके उन्हें कोरोना संक्रमण के दौरान वितरित की जा रही दवाइयों के विषय में भी समझाया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि DM स्वयं एक डॉक्टर की तरह आशा वर्करों को कोरोना खात्मे के गुण सिखा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सबसे मजबूत कड़ी आशा वर्कर ने भी जिसके बाद से अपने काम में तेजी लाते हुए ग्रामीणों को दवाई के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ा रही हैं। कोरोना टेस्टिंग में ड्यूटी दे रही एक आशा वर्कर से जब इस बाबत बात की गई तो वो आत्मविश्वास से लवलेज होकर बोली कि लोगों में टेस्टिंग का रुझान बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरे टेस्टिंग सेंटर पर ड्यूटी में लगी अन्य आशा वर्कर का कहना है कि अभी लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है। अच्छा, अभी प्रदेश सरकार ने आशाओं पर निर्भर हुई है, साथ ही कल जिलाधिकारी मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह ने आदेश दिए कि आशा लोगों के घर में जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी इस पेंडेमिक महामारी से बचने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगी? जी, हम घरों में सर्वे में जाते हैं, कोविड का सर्वे चल रहा है, घरों में जाते हैं पूछताछ करते हैं, पहले उनसे अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन के बाद उनके हालचाल पूछने के बाद पूछते हैं कि घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार सांस लेने में दिक्कत शरीर में कमजोरी या स्वाद में चेंजिंग तो नहीं है। हम अगर कोई बताता है तो हम उसे दवाई हमें निःशुल्क मिली है सरकार की तरफ से, वो हम उन्हें देते हैं। अगर कोई नहीं बताता है तो हम फिर अगले घर में दौरा करते हैं और उस उन्हें कोविड से बचने के लिए उन्हें फायदे बताते हैं कि हमें कोविड के दौरान क्या करना चाहिए, जैसे कि बार बार हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए और बाहर निकलते वक्त अपने मुंह से मास्क लगा रहना चाहिए और भी काफ़ी बातें। हम जैसे आप घर घर जा रहे हो तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? घर घर जा रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे कि पहले नहीं बता रहे थे, लोग घबराए हुए थे, डर के मतलब बता भी नहीं पा रहे थे कि हमें खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन अब हम उनसे कह रहे हैं कि देखो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हम यहीं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकते हैं, हमारे पास दवाई है, अगर किसी को थोड़ा बहुत खांसी जुकाम बुखार है तो आप हमसे दवाई ले सकते हैं और उनसे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, तो इस उससे गांव के लोग हमें बता रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं, फिर हम उसका नाम वगैरह एंट्री करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और CMO सर को और DM साहब को उसे भेज देते हैं, ग्रुप बना हुआ है। आपकी अपील का कितना फ़ायदा हो रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है या नहीं? जी हाँ, घरों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, लोग अब टेस्टिंग भी करवा रहे हैं और इससे ये भी पता चल रहा है कि हाँ इससे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लोग वालों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा, सब सुविधा अपने गांव में हो। जो भ्रम की स्थिति जो लोगों में पैदा हो रही थी अब वो स्थिति खत्म होने लगी। हाँ, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है, पहले लोग घबराए हुए थे नहीं हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें कहीं बाहर ना ले जाएं, कहीं हमें उठवा ना ले जाएं, पहले लोगों में यही डर बना हुआ था, हमने उन्हें समझाया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, तुम्हारा यहीं पर टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद में पॉजिटिव है नेगेटिव है उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम आपका ट्रीटमेंट हम चलवाएंगे, उसके लिए हम आपको दवाई देंगे, अगर कुछ ज़्यादा परेशानी है हम अपने डॉक्टर साहब से बात करके आपको हॉस्पिटल में भी दिखवा सकते हैं, और उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे माननीय योगी जी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे तो हम प्राइवेट में आपका फ्री इलाज कराएंगे, तो इसलिए अब गांव के लोग
काफ़ी जागरूक हो गए हैं और बातों को मानने लगे हैं। मैम अभी हाल ही में लगातार कोरोना काल चल रहा है, लगातार आप लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार और जो है ज़िले के ज़िला अधिकारी आशाओं पर निर्भर हुए हैं, उन्होंने आशाओं से घरों में जाके अपील करवाई है, क्या उस अपील का आपको इस केंद्र पर असर दिख रहा है? दिख तो रहा है लेकिन उतना नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए, लोग अभी भी उतने जागरूक नहीं हैं। हम लगभग 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी भी उतनी संख्या में लोग जो है वो जाँच कराने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? ये कहूँगी कि सारे लोग जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराने के लिए आएं। इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार तैयार है, स्वास्थ्य कर्मी तैयार हैं, आप लोग केंद्रों में मौजूद हैं, जनता फिर भी जागरूकता में कमी है, उन्हें जागरूक करने के लिए आशाएं फील्ड में हैं, तो अब क्या होगा आने वाले टाइम में इसका असर दिखेगा जिस तरीके से लोग जाके मुलाकात कर रहे हैं? असर बिल्कुल दिखना चाहिए, आशाएं भी जा रही हैं ना, लेकिन फिर भी आशाओं का भी कहना कहाँ मानते हैं, पब्लिक नहीं कहना मान रही है किसी का। हम लोग भी कहते रहते हैं जांच कराइए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो खुद से आ रहे हैं, और जिन्हें नहीं कराना वो चाहे आप चाहे कितना भी कह लीजिए नहीं कराने को तैयार।